बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेप क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ साइंस। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड आर लास्ट चैप्टर नंबर 10 इन द प्रीवियस क्लास। हमने अपनी जो लास्ट क्लास में बात की थी वो हीट पर बात हुई थी। हीट क्या होती है, किस तरह से हीट जो है वो एक हॉट बॉडी से एक कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ हीट। प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस होना, पैदा होना, यानी कि वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से हीट प्रोड्यूस होती है या गर्मी प्रोड्यूस होती है, हरारत पैदा होती है। उन वेज़, उन तरीकों के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। So students, there are three ways of heat production. तीन ऐसे ways हैं, तीन ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए से heat जो है वो produce होती है, हरारत पैदा होती है। और वो कौन से three ways हैं? Number one is rubbing, number two burning, and number three is by the use of electricity. सो कौन कौन से तीन वेज हैं, रिपीट आफ्टर मी। रबिंग, बर्निंग एंड बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इन तीनों वेज के बारे में हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से वेज हैं, कौन से तरीके हैं। सबसे पहले देखते हैं रबिंग। तो स्टूडेंट्स, रबिंग का मतलब होता है रगड़ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपने हाथों को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड्स तक अगर आप अपने हाथों को रब करते रहें, रगड़ते रहें, तो आप ये फील करेंगे कि आपके जो हाथ हैं वो हीट अप हो चुके हैं, गर्म हो चुके हैं। सो ज़रा एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। तो क्या आपने फील किया, क्या आपको हीट फील हुई है अपने हाथों को रगड़ने की वजह से? यस, एग्जैक्टली ऐसा होता है। जब भी आप अपने हाथों को आपस में रब करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप रब करेंगे ना, रगड़ेंगे आपस में, तो हीट प्रोड्यूस होगी, गर्मी ज़रूर पैदा होती है। तो रबिंग जो है ये एक वे है, एक तरीका है हीट प्रोड्यूस करने का। इसी तरह एक और बहुत ही कॉमन एग्जांपल है रबिंग की, वो है माचिस को। आपने देखा होगा जब माचिस की तीली को आप माचिस जो मैच बॉक्स है उसके साथ जब आप रब करते हैं, उसको रगड़ते हैं, तो ही फिर आप देखते हैं कि जो मैच स्टिक है, जो माचिस की तीली होती है, उसमें आग जल जाती है हीट की वजह से। वो गर्म जब हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर उसमें हीट जो है, आग जो है वो जल जाती है। तो रबिंग जो है, चीज़ों को रब करने से हीट प्रोड्यूस होती है। हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। जो दूसरा वे है, दूसरा तरीका है हीट प्रोड्यूस करने का, वो है बर्निंग। बर्निंग का मतलब होता है जलाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बर्निंग ऑफ वुड। जब लकड़ी जलाई जाती है तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। कोई भी चीज़ जब जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, कुछ भी जलाएंगे आप लकड़ी जलाएं, आप कोयला जलाएं, कोल जो है, बर्निंग ऑफ कोल, उससे भी हीट प्रोड्यूस होगी। एंड अनदर एग्ज़ाम्पल इज़ बर्निंग ऑफ गैस। गैस जो है, जैसे आप हीटर की हम एग्ज़ाम्पल ले लें, हीटर में गैस यूज़ हो रहा है, आपने ऑन किया गैस, और जब आप उसे जलाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बर्निंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, गैस की बर्निंग की वजह से। इसी तरह जो चूल्हा इस्तेमाल करते हैं किचन के अंदर, स्टोव जो है, उसमें भी गैस होती है, और उसको बर्न करने की वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर? ओके, गुड। नेक्स्ट इज़ द बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक जो थर्ड वे है, तीसरा तरीका जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के इस्तेमाल से। बिजली से भी हीट प्रोड्यूस होती है, क्या आपको पता था इस बात का? चलें हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे हीट प्रोड्यूस होती है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आयरन, इस्त्री जिससे आप अपने कपड़े प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप आयरन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, आप उसका स्विच ऑन करते हैं, और थोड़ी देर के बाद जो है आयरन वो हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, और आप बड़े आराम से जो अपने कपड़े हैं वो प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से
बहुत सारी और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हैं जिनमें बिजली की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है. सो हाउ मेनी वेज ऑफ हीट प्रोडक्शन? वेरी गुड, थ्री वेज ऑफ हीट प्रोडक्शन. कौन कौन से वेज हैं रिपीट कर लेते हैं एक दफ़ा से. रबिंग, बर्निंग बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. रबिंग मीन्स जला रगड़ना, बर्निंग मीन्स जलाना, एंड बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें बताया कि बिजली का इस्तेमाल होता है. तो दीज आर द थ्री वेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट. सो नाउ लेट्स मूव टू योर बुक. आपकी बुक पर पेज नंबर 124 पर टू एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3. इन दोनों एक्टिविटीज़ को आपने परफॉर्म करना है ताकि आपको हीट प्रोडक्शन का अंदाज़ा हो सके. लेट्स रीड एक्टिविटी 2 फर्स्ट. एक्टिविटी 2 क्या है इसे देख लेते हैं. हाँ, अभी अपनी बुक्स के ऊपर फोकस करें और एक्टिविटी 2 हम रीड करते हैं कि ये क्या है. सो आई एम रीडिंग इट. ब्रिंग योर हैंड्स नियर द बर्निंग कैंडल एंड टेल व्हाट डू यू फील. आपने क्या करना है, एक कैंडल जलानी है, एक मोमबत्ती लेनी है, उसको जलाएं और अपने दोनों हाथ आपने कैंडल के करीब, जलती हुई कैंडल के करीब लेकर आना है. तो आप कुछ फील करेंगे और आप क्या फील करेंगे? वेरी गुड, हीट फील करेंगे क्योंकि आप एक फायर के एक ऐसे चीज़ के पास हैं जहाँ पर हीट जो है वो आपको मिल रही है. अगर आप उसके क्लोज होंगे थोड़ा सा तो आपको उसकी जो वार्मनेस है, उसकी जो गर्मी है, जो हीट है वो फील होगी. राइट, ओके. नाउ देयर इज़ अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी 3. और एक्टिविटी 3 क्या है कि ये बहुत ही आसान सी है. अभी हमने रबिंग की बात की थी ना, जिसमें हम अपने हाथों को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है. तो अब आपने इसको खुद फील करके भी देखना है किस तरह से, कि आपने अपने दोनों हाथों को अच्छे से आपस में रगड़ना है कुछ सेकंड्स तक, और उसके बाद फिर आप अपने दोनों हाथों को फौरन से अपने अपने फेस पर रख कर चेक करना है कि क्या वाकई में हाथ जो हैं वो गर्म हो चुके हैं कि नहीं. सो ये एक्टिविटी आपने खुद करके देखनी है, क्या वाकई ही हाथों को रगड़ने से, रब करने से हीट प्रोड्यूस होती है या नहीं. तो अगर आप इसे करेंगे खुद तो आपको फिर खुद ही जो ये सारी सारा कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू योर होमवर्क जो आपने करना है अब. सो देयर इज़ अ पेज इन योर चैप्टर नंबर 10. आपके बुक में एक पेज है एक्सरसाइज के अंदर, पेज नंबर है 131. आपने 131 पेज ओपन करना है और उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप. आपके सामने क्वेश्चन है और उसको आपने कंप्लीट करना है. जो अभी आपने पढ़ा है ना प्रोडक्शन ऑफ हीट, यहाँ हेडिंग भी दी हुई है, ये देखिए प्रोडक्शन ऑफ हीट. तो आपने क्या करना है, प्रोडक्शन ऑफ हीट जो तीन वेज आपने पढ़े हैं वो इन तीनों बॉक्सेस में लिख लेने हैं. ये 3 बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन तीनों बॉक्सेस के अंदर आपने जो 3 वेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट पढ़े हैं ना, जिन तीन तरीक़ों से हीट प्रोड्यूस होती है, हरारत पैदा होती है, वो तीनों तरीके, तीनों वेज आपने यहाँ लिख लेने हैं. कौन से वेज हैं? रबिंग, बर्निंग एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो ये 3 वेज ये आपने बॉक्स में राइट करने हैं. दिस इज़ योर होमवर्क, आपने इसे खुद करना है, लिखना भी है एंड इसे आपने लर्न भी करना है. सो नाउ राइट योर डायरी. सो दिस इज़ योर डायरी, राइट इट. आपकी डायरी क्या है आज की? यू हैव टू डू पेज 131, क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसमें आपने 3 वेज लिखने हैं हीट प्रोडक्शन के, वो तीनों वेज आपने लिखने भी हैं पेज 131 पे और लर्न भी करने, याद भी करने. आई होप आज का लेसन आपको समझ आ गया है. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.